नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर, टीवी स्क्रीन पर आरक्षण के मुद्दे पर विशेष सत्र यहां पर बुलाया गया है। विधानसभा का होगा विशेष सत्र, सीएम भूपेश बघेल ने भेजा है प्रस्ताव। विधानसभा अध्यक्ष हैं, यहां पर डॉक्टर महंत को प्रस्ताव भेज दिया गया है। 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र का आग्रह किया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो आरक्षण के मुद्दे पर विशेष सत्र यहां पर बुलाया जाना है। विधानसभा का ये विशेष सत्र होगा। सीएम भूपेश बघेल ने यह प्रस्ताव भेजा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत को यह प्रस्ताव भेजा गया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 1 और 2 दिसंबर को होगा विधानसभा का विशेष सत्र, ये ट्वीट किया है भूपेश बघेल की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से ये ट्वीट किया गया है। आदिवासी आरक्षण के विषय को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी को भेजा है। आगामी 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का आग्रह किया गया है। ये ट्वीट किया गया है भूपेश बघेल की ओर से। बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। आदिवासियों के 32% के आरक्षण को लेकर राजनीति यहां पर पूरी तरह से गरमाई हुई है। इसे लेकर सरकार और यहां समुदाय क्षेत्र विशेष सत्र की यहां मांग कर रहा है। 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। तो वहीं अब सत्र को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जहां पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सत्र को लेकर यहां पर कहा कि विशेष सत्र बुलाए जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। विशेष सत्र में वही निर्णय होगा जो पहले भी हुआ है। अभी तो श्रृंखला चल रहा है, भ्रष्टाचार में जहां जहां लिप्त हैं लोग वहां जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो बोलते रहे कि जब से लोग तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस के, कोई मतलब नहीं। आजादी की रेट पड़ी है सर दोबारा। अभी तो श्रृंखला चल रहा है, भ्रष्टाचार में जहां जहां लिप्त हैं लोग वहां जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो बोलते रहे कि जब से लोग तारीफ कर रहे हैं। दुर्ग में एक प्रेमी जोड़े का शव मिलने से सनसनी फैल गई। भिलाई के स्मृति नगर में एक निजी होटल में प्रेमी जोड़े का शव मिला। पुलिस घटना की जांच यहां पर कर रही है। पुलिस इसकी जांच सुसाइड और हत्या दोनों एंगल से कर रही है। प्रेमी जोड़े का शव होटल के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। घटना के बाद मृतका के परिजनों को बुला लिया गया है। पुलिस ने केस यहां पर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव के मुताबिक निजी होटल के मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी कि पंखे पर युवक और युवती के शव लटके मिले हैं। उसने बताया कि दोनों ने सुसाइड कर लिया है। स्मृति नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। होटल के जिस कमरे में दोनों ने सुसाइड किया है वो दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे तोड़कर उनके शव निकाले गए। धोखाधड़ी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुलिस को जांच का अधिकार दिया है। जांच की जा रही है, उससे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। दस्तावेजों की पुष्टि होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वही बड़ी खबर है रायपुर से। नगर निगम एमआईसी की हुई है बैठक। महापौर यहां पर एजेज देवर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बैठक में प्रदूषण की रोकथाम पर चर्चा, प्रदूषण के अलावा 15 अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। बड़ी खबर, बैठक में प्रदूषण की रोकथाम पर यहां चर्चा की गई। प्रदूषण के अलावा 15 अन्य विषय थे जिस पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा यहां पर बना रहा। रायपुर से बड़ी खबर, नगर निगम एमआईसी की यह बैठक हुई है, जिसमें महापौर यहां एजेज डेबर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बड़ी खबर। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी अहम खबर रायपुर से, जहां नगर निगम एमआईसी की बैठक हुई है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नगरपालिका निगम यहां पर सभाकक्ष में इस बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सभी नगर निगम के जो बड़े लोग थे वो सभी यहां पर मौजूद थे, तमाम अधिकारी मौजूद थे। बड़ी अहम मुद्दों पर यहां चर्चा हुई और साथ ही साथ प्रदूषण को लेकर भी यहां पर बातचीत हुई।
सुकमा के गांव चौपेल में एक युवक लक्ष्मण बघेल की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले की जांच के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग नगर निगम ने जी रोड में हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। मामले की जानकारी देते हुए अतिक्रमण प्रभारी शिव शर्मा ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के खिलाफ लगातार इसी तरह से यहां पर जारी रहेगा। पार्टी ने मुझे बहुत अवसर दिए, खाली सत्ता का पद नहीं होना चाहिए। पार्टी ने संगठन में मुझे हर समय अच्छा अवसर दिया, और चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री की बात करें, मैं सबसे कम उम्र में बना था उस समय, राजकर भी जिला अध्यक्ष थे, तो उसके बाद मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी महामंत्री हूँ और प्रदेश को संयुक्त महामंत्री भी रहा, पाटन का प्रभारी, रायपुर का प्रभारी, अनेक कार्य किए। एक्चुअल में हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मोर सहार मोर जिम्मेदारी के तहत बीए रोड से जितने भी गुमटी ठेले जो भी अवैध तरीके से रखे गए हैं सबको हटाने की कार्रवाई आज प्रारंभ की गई है। कमिश्नर साहब के आदेशानुसार यह कार्रवाई बीआईटी कॉलेज से अभी फुलगांव तक चलेगी। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए। मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा सीजीपीएटी में ओवरऑल रैंक 49।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो प्रदेश बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर पटेल चौक में चक्का जाम किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए यहां सरकार से आदिवासियों को आरक्षण देने की मांग की है। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री रामशिला साहू, पूर्व विधायक सांवला राम डहरे के साथ ही यहां बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को जो 32% आरक्षण मिलता था उसको 12% कटौती किए हैं। उसके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति के बंधु एवं बहनों के हित के रक्षा के लिए आज हम आंदोलन है। आगे की क्या रूपरेखा है? आगे हम चाहते हैं सरकार से कि 32% वर्षों से आरक्षण मिलते आया है, इन लोगों को तत्काल दिया जाए। दुर्ग जिले के सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के अध्यक्ष जवाहर वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष होंगे। वहीं आज राजेंद्र साहू कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। राज्यपाल ने दी अनुमति, विधानसभा के 15वें सत्र के प्रस्ताव पर अनुमति दे दी है। अनुच्छेद 174 के खंड 1 के तहत अनुमति ये मिली है। 1 दिसंबर से प्रस्ताव होगा जारी, 1 और 2 दिसंबर को बुलाया जाएगा सत्र। तो बड़ी खबर जिस स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, 1 और 2 तारीख को जो है सत्र बुलाया जा रहा है विशेष। विधानसभा के 15वें सत्र के प्रस्ताव पर अनुमति मिल गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, 1 दिसंबर से प्रस्ताव होगा जारी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, 1 और 2 दिसंबर को प्रस्ताव, यहां पर जो विशेष विधानसभा सत्र है वो बुलाया जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर। प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश सरकार से अपील करते हुए कहा कि विधानसभा का सत्र 10 दिनों तक चलना चाहिए। साथ ही उन्होंने 32% आरक्षण को जारी रखने की मांग भी की है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिनों का आहूत करें। हम हर मुद्दे पर तथ्यात्मक चर्चा करना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार, यहां की कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री जी विधानसभा से भागना क्यों चाहते हैं, विधानसभा से पलायन क्यों करना चाहते हैं, वो चर्चा से क्यों मुंह मोड़ना चाहते हैं। हमारा आग्रह है सरकार से, शीतकालीन सत्र विधानसभा का, छत्तीसगढ़ की विधानसभा का 10 दिनों का होना चाहिए। रही बात आरक्षण का विषय, भारतीय जनता पार्टी पहले भी और आज भी हमारा स्पष्ट मत है। सक्ति शहर में आयकर विभाग की टीम ने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सहित 6 लोगों को यहां पर छापेमारी की है। आयकर विभाग की टीम सबसे पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सक्ति में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष कांग्रेस नेता श्याम सुंदर अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि कांग्रेस नेता आनंद अग्रवाल, अनुराग कपड़ा दुकान के संचालक कमलेश अग्रवाल, स्टाम्प वेंडर जगदीश बंसल, प्रियंका मोबाइल दुकान के संचालक राहुल अग्रवाल और सत्यविदा ज्वेलर्स के संचालक अरुण अग्रवाल के यहां छापा मारा है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। सक्सेस
not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BJC. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा सीजीपीएटी में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो सुकमा के मिनी स्टेडियम में नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड रेंजर रोवर कार्निवाल 2022 का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहां स्काउट गाइड के लिए राज्य की प्रदर्शनी प्रतियोगिता की यहां पर आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में स्काउट गाइड ने अपने अपने राज्य के बारे में जानकारी दी और इस कार्यक्रम में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने अपनी प्रस्तुति दी। दल में ओडिशा की संस्कृति और परंपरा को यहां पर दिखाया गया। ओडिशा के श्री जगन्नाथ संस्कृति के गांव की झांकी भी यहां पर प्रस्तुत की गई। नगर के मिनी स्टेडियम में आयोजित नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड रोवर रेंजर कार्निवाल का मंगलवार को प्रदेश के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। आयोजन के शुभारंभ अवसर पर यहां कार्निवाल में हिस्सा लेने पहुंचे देश के 12 राज्यों और प्रदेश के कई जिलों से आए स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स ने स्काउट सलामी और ताली में यहां अतिथियों का स्वागत किया। दादर नगर हवेली और नारायणपुर की टीम ने नृत्य की प्रस्तुति दी और 15 दिन आयोजन का समापन शनिवार को होगा।
खबर डोंगर गांव के टोला गांव से है, जहां प्राथमिक शाला भवन में स्कूल के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि टोला गांव में 10 लाख की स्वीकृति से स्कूल भवन का निर्माण होगा, जिसके भूमि पूजन के लिए विधायक दलेश्वर साहू को यहां आमंत्रित किया गया था, पर काफी समय बीत जाने के बाद भी विधायक कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिसके बाद गांव की सरपंच ज्योति साहू ने स्कूल भवन का भूमि पूजन किया। तो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर भूमि पूजन किया गया, स्कूल की शुरुआत की गई, स्कूल की यहां पर नींव रखी गई। स्कूल के भूमि पूजन कार्यक्रम में सभी ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और सभी ग्रामीणों ने काफी खुशी भी जाहिर की। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।